मैं सैफ अर्जुन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा YouTube चैनल सैफ अर्जुन UK01। तो दोस्तों फिर से मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर रखा हूं। आज हम बनाएंगे पेने अरबिका, और पेने अरबिका किस तरह से होटल में या रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों पेने पास्ता के लिए क्या करना है, कुछ टमाटर ले लेने यहाँ पे फ्रेश फ्रेश टमाटर, और तो उनको करना है 1/2 करना है, साइड से कट करना है। चलिए दिखाते हैं। इस तरीके से हमने टमाटर ले लिया और इसका साइड हमें अलग कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है बीच में। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जब हम इसे ब्लांच करेंगे तो इसके छिलके हट जाएंगे, हमें छिलके हटाने हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, साइड टमाटर को इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत प्यारी रेसिपी दोस्तों, आप घर पे ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को। और इस तरीके से हमें सारे टमाटर साइड से कट कर लिए। अब हमें इसे करने से ब्लांच करना है। तो हमने कहीं सॉस करने पानी ले रखा है हल्का सा, और उसमें क्या करना है, हमें एक टमाटर जो हमने कट कर रखे उनको डाल देना है इस तरीके से ब्लांच के लिए। ब्लांच करते ही हमें एक चम्मच इसमें सॉल्ट डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ब्लांच कर लेना है इसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो ब्लांच हो चुके हैं, तो अब इसे क्या करेंगे, छान लेंगे हम छन्नी से मदद से। अब इसके छिलके, दोस्तों जो हमने टमाटर ब्लांच कराए थे ना उसका मैंने आपको बताया था कि छिलके निकल जाएंगे इसके आसानी से, तो इस तरीके से इसके छिलके निकाल देंगे। इस तरीके से हम सारे छिलके निकाल लेंगे, बीच है अंदर के वो भी हमें निकाल लेने हैं। इस समय इसे बारीक चॉप कर लेना है टमाटर में। चलिए अब इसे क्या करना है, हमें टॉस करना है, और टॉस किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करके नॉन स्टिक यूज कर रखा है, और आप घर पे आपके नॉन स्टिक नहीं है तो आप कोई भी पैन यूज कर सकते हैं या किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है घर पे तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे एक बार अच्छे से, और अब इसे डालेंगे इसमें 1 से 2 स्पून हम इसमें बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और उसे घुमा लेंगे। ले रही थी और ब्राउन हो चुका है, और टमाटर और जो गसील है वो भी ब्राउन हो चुका है। तो हम कहेंगे कि टमाटर हमें चॉप करके थे इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे। हमें इसे करना है अच्छे से घुमा लेना है अच्छे से, और पका लेना है इसे अच्छे से। दोस्तों इस सॉस का नाम है कनकस, हम होटल में से कनकस के नाम से जानते हैं, आप घर पे इसे बनाइए आराम से। और इस पास्ता का नाम है पेने अरबिका। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम टेस्ट अनुसार इसमें नमक डालेंगे, और फिर नमक के बाद डालेंगे इसमें हम टेस्ट अनुसार ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स, इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से घुमा लेंगे। ऑरिगेनो डालेंगे। ये पास्ता आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, आपको किसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे इसे बनाइए, आसानी से बहुत आसानी से बन जाएगा पास्ता, और टेस्ट में इतना प्यारा है दोस्तों, आप ट्राई करिए एक बार घर पे इसे जरूर। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ पास्ता बॉयल करके रखा है, और इसे क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे अमूल चीज ले लेते हैं हमने, तो अमूल चीज इसमें डाल देना है। घर पे अमूल चीज नहीं है तो अमूल चीज हटा दीजिए आप। इसमें क्या है, पार्मेसन चीज या अमूल चीज, दोनों चीजों में से एक चीज डाल सकते हैं, और इसे घुमा लीजिए। और कुछ हमने बेसिल बचा के रखी हुई थी तो इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और इसे घुमा लेंगे। करना है इसकी प्लेटिंग कर लेनी है, और प्लेटिंग में करेंगे हम पास्ता को इस तरीके डाल देंगे। और जो
सॉस है उसे ऊपर से लगा देंगे इस तरह से। इसके ऊपर गार्निश क्या करेंगे हम, सबसे पहले जितना आपके पास चीज़ हो सके उतना आप चीज़ डाल देंगे इसमें, और कुछ चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम इसमें, ऑलिव डाल देंगे हम, और हमने एक वेसिल बचा रखा है यहाँ पे, वेसिल को इस तरीके से लगा देंगे। दोस्तों ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। दोस्तों कुछ यहाँ पे पास्ता ले लेंगे, और एक पास्ता ले लेंगे और सॉस ले लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो